Good morning students, in today's class we are going to start chapter 1st. We are doing revision of chapters which we have completed in last session. So the first chapter is management, nature, significance and scope. In this chapter we will discuss about basic introduction of management, its features, its importance, its scope, etc. So start karte hain introduction se. Management means getting work done through others. अदर persons टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कि जब कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम दूसरे लोगों से काम करवाते हैं, दूसरे लोगों से अच्छे तरह ताकि काम कंप्लीट हो सके टाइम पर, उसी को हम कहेंगे मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ ऑथर. मैनेजमेंट को सेवरल वेज में डिफाइन किया गया है. ऑथर्स ने अपने अपनी नीड्स और ज़रूरत के हिसाब से इसे डिफाइन किया है. सो द फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशियंसी ओरिएंटेड डेफिनेशंस. लाइक एफिशिएंसी और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस है. लाइक फर्स्ट है एफ डब्ल्यू टेलर. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू. मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हमें ये पता लगाना होता है या जानना होता है कि हमें करना क्या है, एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. देन हमें ये पता करना होता है कि देन हमें ये देखना होता है कि जो काम है वो अच्छा और सबसे सस्ता कंप्लीट हो जाए. सस्ता मतलब ये लिया गया है कि बेस्ट से बेस्ट मैनर में कंप्लीट हो, लेकिन कॉस्ट हमारी रीजनेबल हो, कम से कम हो. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास हेराल्ड कुंटज की. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू. मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम काम करवाएंगे थ्रू एंड विद द पीपल, लोगों के साथ मिलकर और उनके द्वारा, इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, जो कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है. ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप ओरिएंटेड डेफिनेशंस. अकॉर्डिंग टू स्टैनली वेन, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस द पर्पज ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग की और कंट्रोलिंग की, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटीज़ को, एक्शंस को कंट्रोल करेंगे और उस पर्पज़ से ताकि हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव हो जाए. सो ये थी हमारी स्टैनली वेन्स की डेफिनेशन. देन अदर डेफिनेशंस भी हैं हमारे पास, लाइक मैकफेराल्ड की है. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर क्रिएट्स, डायरेक्ट, मेंटेन एंड ऑपरेट ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू oriented and operating human efforts. So according to Macfarrell, management is the process by which manager creates, directs, maintain and operate purposive organization through systematic, coordinated and cooperating human efforts. That simply means कि जो managers हैं वो create करेंगे, direct करेंगे और maintain करेंगे एक purpose वाली organization को, जिस through systematic, coordinated and operative cooperating human effort, जिसमें जो humans है वो system से काम करेंगे, एक दूसरे को coordinate करेंगे और एक दूसरे को help करते हुए काम करेंगे. Conclusion, management is an art and science in the get the work done from others, जिसमें एक art और science है जिसे दूसरे लोगों से काम करवाएंगे. Minimization of cost, जिसमें cost को minimize करेंगे. अचीविंग गोल्स ऑफ एंटरप्राइज विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हेल्प अचीव करेंगे ह्यूमन एफर्ट्स के हेल्प से, विच इंक्लूड ऑल और द एक्टिविटीज फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, जिसमें प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग सब शामिल किया जाएगा. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट वन इज इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. दैट सिंपली मीन्स मैनेजमेंट पुश द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर by way of planning, organizing, directing, controlling. So we can say management is a goal-oriented process. It also goes because it includes all those activities which help to achieve predetermined objectives. इसमें वो सारी activities शामिल की जाती है जो कि predetermined goals को achieve करने में help करती है, इसलिए हमने कहा management is a goal-oriented process. The second is it is a continuous process. It is a continuous process because various activities one after other goes on continuously till the manager does not achieve
डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब यह है कि एक के बाद एक एक्टिविटीज लगातार तब तक चलती रहती है, मैनेजर तब तक करता रहता है जब तक कि आपके गोल अचीव नहीं हो जाते। इसीलिए मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट लगातार चलता रहता है। ठीक है, इट इज़ द ह्यूमन एक्टिविटी। एक्चुअल में क्या है कि जो मैनेजमेंट का काम है ये मैनेजर्स करते हैं, मैनेजर्स ह्यूमंस होते हैं। सो ये सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी, बिकॉज इट कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली बाय एंड मूव थ्रू ह्यूमन बींग्स, केवल ह्यूमन बींग्स के थ्रू की जा सकती है। इट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है, चाहे वो स्मॉल साइज हो चाहे मीडियम साइज हो। बिकॉज इट इज़ परफॉर्म इन स्मॉल मीडियम बिग रिलीजियस पॉलिटिकल मिलिट्री सोशल बिजनेस एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव टू अडॉप्ट मैनेजमेंट एंड एज वेल एज इन इट्स इट इज़ प्रेजेंट इन आर पर्सनल लाइफ। इवन हमारी पर्सनल लाइफ में मैनेजमेंट मिलता है, लाइक हम हमारे टाइम को शेड्यूल को मैनेज करते हैं, स्कूल आना जाना, पढ़ाई, घूमना फिरना, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ हम लोग मैनेज करते हैं। तो इवन हमारी पर्सनल लाइफ में मैनेजमेंट अवेलेबल है। मैनेजमेंट जो है ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, इसलिए हमने कहा यूनिवर्सल एक्टिविटी है। द नेक्स्ट इज इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन बिकॉज इट अडॉप्ट वेरियस सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इटसेल्फ। फ़ायदा ये है कि मैनेजमेंट जो है ये सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, इसलिए कहा मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। जिस तरह का नेचर होगा बिजनेस का, जिस तरह का आपकी रिलेटिविटी लाइक कंट्री होगी, जिस तरह का आपका एनवायरनमेंट होगा, जो भी चेंजेस होंगे उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट इज इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, रीजन बींग इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बाय, बट इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड एंड बैड रिजल्ट। कि मैनेजमेंट जो है इसे देख तो नहीं सकते ना छू सकते हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट है या इसका जो एग्जिस्टेंस है इसे हम फील कर सकते हैं बाय वे ऑफ गुड और बैड रिजल्ट्स। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बार ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है हमको। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। द फर्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। इट मीन्स सच ऑब्जेक्टिव्स विच डायरेक्टली रिलेट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे पूरा करने के लिए जो हम मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, जिस मोटिव से कर रहे हैं, सो उसी को हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट मानेंगे। द फर्स्ट वन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। हमें जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं हम उसे रीजनेबल कॉस्ट मतलब मिनिमम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना, जितनी कॉस्ट हमारी कम होगी उतना ही हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट कमाने के हमने रीज़न पढ़े थे 11th क्लास में कि हमें प्रॉफिट ग्रोथ के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए, फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए चाहिए ग्रोथ। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो हमारी हेल्प करेगा। तो पहला जो है हमारा टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। द सेकेंड इज टू अर्न फेयर प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें तो हमें फेयर प्रॉफिट अर्न करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि हम लोग आगे जा सकें। फेयर और अनरीजनेबल प्रॉफिट में डिफरेंस है। अगर अनरीजनेबल प्रॉफिट कमाया तो सोसाइटी से अगर कमा लिया तो सोसाइटी नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि हमें सपोर्ट करे। सो वी हैव टू अर्न फेयर प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फेयर प्रॉफिट होना चाहिए। द नेक्स्ट इज टू गिव फेयर रेमुनरेशन टू ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि जितने भी रिसोर्सेज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें फेयरली रेमुनरेट करना, उन्हें सेटिस्फाई करना, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और अपनी एफिशिएंसी से वर्क करें। द नेक्स्ट इज टू मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन बेटर मैनर। दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें बिना किसी वेस्टेज के अच्छे से अच्छा काम में लेने की कोशिश करेंगे, ताकि बिना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें हमारे रिसोर्सेज का। सो दीज आर द प्राइमरी और मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। द सेकेंड इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।
It means those objectives which help in achieving primary or main objectives. जो भी ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हमारी हेल्प करेंगे उसी को हमने कहा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. ये ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं इसलिए ताकि मैनेजमेंट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकें. द फर्स्ट वन इज़ टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द लोएस्ट प्राइस. कि मेन जो है हमारा वो ये है कि कस्टमर तक हम तभी पहुँच सकेंगे जब हम गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे. कस्टमर की आज मार्केट में बहुत कंपटीशन है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो कस्टमर तभी आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगा जब आप लोग उसे क्वालिटी गुड्स देंगे. तो हमारा जो फर्स्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें क्वालिटी गुड्स को प्रोड्यूस करना है एट लोएस्ट प्राइस. द सेकेंड इज टू यूज डिफरेंट रिसोर्सेज एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस. कि हम जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें राइट टाइम और राइट प्लेस, दैट मीन्स हमें हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, दैट मीन्स वी हैव टू अरेंज द रिसोर्सेज एट राइट टाइम एट राइट प्लेस. जिस रिसोर्स की ज़रूरत जहां है उसे टेक्निकली वहीं होना चाहिए जिससे कि हम टाइम को मैनेज कर सकें, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो उसे मैनेज कर सकें. सो वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. सो ताकि डिफरेंट रिसोर्सेज को आप कोऑर्डिनेट करके एक राइट टाइम और राइट प्लेस पर यूटिलाइज कर सकें. द नेक्स्ट वन इज टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन यूज ऑफ रिसोर्सेज सो दैट ऑल रिसोर्सेज मे बी वर्क एज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. रिसोर्सेज को इस तरह से काम में लेना है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो. रिसोर्सेज को इस तरह से काम में लेना है कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन मिले बिना वेस्टेज के, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप उस काम को कंप्लीट कर सकें. ये हमारा होना ज़रूरी है. ठीक है, देखो समझने वाली बात यह है कि अगर हम रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो रिसोर्सेज को राइट टाइम और राइट प्लेस पर भी यूज़ नहीं कर सकते, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली भी यूज़ नहीं कर पाएंगे. द नेक्स्ट इज़ टू मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. हम रिसोर्सेज को मोटिवेट करेंगे, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज ही हो गए, कि उनसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम ले सकें. मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि उनकी पूरी एफिशिएंसी को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके ताकि वो फ्री ना हो या फिर हम उनकी एक्टिविटीज या स्किल्स को वेस्ट नहीं करें. द नेक्स्ट इज इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स दोज ऑब्जेक्टिव्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर एज फॉलोज. तो बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक एंटरप्रेन्योर है, ओनर है, एम्प्लॉयज़ है, उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो होंगे हमारे इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट इज टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल. ओनर ने जो कैपिटल लगाई है आप उसे सेफ रखने की कोशिश करेंगे. सेफ इन द सेंस कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है. उसका मिस यूटिलाइजेशन या जिस पर्पज़ के लिए ली है उसी के लिए यूटिलाइज होना ज़रूरी है. देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने कैपिटल मिस यूटिलाइज कर दी या कंपनी ने वेस्ट कर दी तो होगा ये कि जिस प्रोडक्शन के लिए हमने लिया था वो नहीं हो पाएगा, प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, तो एक एंटरप्रेन्योर या जो ओनर होगा या शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें प्रॉपर रिटर्न भी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जा सकता है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो वी हैव टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस टू एम्प्लॉयज. दैट मींस कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए रूम में, साफ सफाई होनी चाहिए आसपास, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए. और जॉब सिक्योरिटी तो चलो बात की बात है, लेकिन जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ सेफ्टी की कंडीशंस होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर, लाइक आग वगैरह लगने से बचने के लिए फायर सिस्टम होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें एक बेसिक नीड्स होती है जो कि एक बेसिक वर्किंग कंडीशंस का पार्ट है. जितनी ज़्यादा दोगे, जितनी अच्छी दोगे, उतना ही एम्प्लॉय मोटिवेट होगा आगे काम करने के लिए, वो उतना ही फ्री माइंड से काम कर सकता है. द नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ इनकम एंड जॉब. If the employee is working effectively and efficiently, then organization have to provide security of income and job. That means organization को promise करना चाहिए अगर आप लगातार काम करते हैं. ये हमारे theory भी है.
विलियम ओचे की जेड थ्योरी, जिसमें बात की जाती है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी और इनकम की सिक्योरिटी देते हैं तो वो आपके साथ मन लगाकर काम करेगा, मोटिवेट होकर काम करेगा। द नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए, करियर के लिए, स्किल्स डेवलप के लिए आप उन्हें ऑप्शंस देंगे तो वो काम करता रहेगा, अदरवाइज वो आपको छोड़कर चले जाएगा। सो ये टेक्निक भी हमारे मोटिवेशन का ही काम करती है। नेक्स्ट इज़ टू गिव स्पेसिफिक फंक्शंस टू अ मैनेजर, इसके अलावा मैनेजर को स्पेसिफिक फंक्शंस देना ताकि वो स्किल्स फुल वर्क कर सकें। सो नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, द ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन टू डिस्चार्ज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी आर कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, दीज आर एज फॉलोज। अगर हम बात करें तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जहाँ हमें हमारी कुछ जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए पूरी करनी होती है। देखो सिंपल सी बात है, हम सोसाइटी के बीच में रहकर बिजनेस करते हैं, सोसाइटी से प्रॉफिट कमाते हैं, तो इट इज़ आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द सोसाइटी और नॉट टू डिस्टॉर्ट द सोसाइटी। हमें सोसाइटी को एक्सप्लोइट नहीं करना चाहिए, सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। सो जितना करेंगे उतनी ही हमारी गुडविल बनेगी, गुडविल हमको आपको पता है लॉन्ग रन में हेल्प करती है बिजनेस को आगे लेकर जाने में। सो द फर्स्ट इज टू फुलफिल इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेरियस पार्टीज ऑफ द सोसाइटी की, जितनी भी पार्टीज है सोसाइटी की लाइक कस्टमर, क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स, उनके लिए जो जो जिम्मेदार है। कस्टमर को क्या चाहिए? क्वालिटी गुड्स राइट टाइम राइट प्लेस पर चाहिए। सप्लायर को क्या चाहिए? राइट टाइम पर पेमेंट चाहिए। कॉम्पिटिटर को क्या चाहिए? कि फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, आप बिना मेलाफाइड इंटेंशन से बिजनेस नहीं करें, उसे मार्केट से हटाने के लिए अनरीजनेबल कॉम्पिटिशन रेज नहीं करें। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी, इसी का पार्ट है। द नेक्स्ट इज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना है उन्हें गुड क्वालिटी गुड्स देकर। जितना ज़्यादा गुड्स, अच्छे गुड्स अवेलेबल करवाएंगे उतनी सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। द नेक्स्ट इज टू इन्वॉल्व इन गुड एंड फेयर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को फेयर चलाना है, एथिकली चलाना है। दैट मीन्स सोसाइटी की जो नॉर्म्स है, सोसाइटी के लिए जो सही है उसी के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। टू हेल्प द डिसेबल्ड पर्सन एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, इसके अलावा सोसाइटी का वीक सेक्शन भी होता है जो कि लाइक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है जिनके पास, हो गए बैकवर्ड पर्सन हो गए, तो इनकी हेल्प के लिए भी हमें लगातार काम करते रहना चाहिए ताकि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो सके। और भी कुछ होते हैं लाइक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना आपकी जिम्मेदारी है, अगर कर रहे हो तो उसे भी रोकने की कोशिश करना या कम करने की कोशिश करना। सो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है सोशल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सम डेफिनेशंस गिवन बाय द ऑथर्स एंड फीचर्स लाइक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस एटसेट्रा। सो इन लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आज की क्लास में इतना ही, कोई डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।